सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ में आहुति देकर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मंगल की कामना की है। उन्होंने प्रदेश के लगातार विकास का संकल्प भी लिया है। उन्होंने दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों से यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर की सुविधाओं का फीडबैक भी लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौके पर कार्य कर रहे श्रमिकों से बात करते हुए उनका हौसला अफजाई किया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर के समीप बने स्वास्थ्य केंद्रों के ऑक्सीजन और सभी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। इस दौरान सीएम धामी ने रेन शेल्टर, आस्था पथ, वाटर एटीएम समेत अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित किया है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वाले 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं को प्रतिदिन ठहरने की उचित व्यवस्था बनाई जाए और तीर्थ यात्री जहां से बेहतर संदेश लेकर जाए इसके लिए हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेजी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं।